नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त का, बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा देते हैं। एचपी एसएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आ गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दो मुख्य आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में फिलहाल उनको भेजा हुआ है, पूछताछ होगी। 4 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें से आपको बता दें कि कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया है और आपको बता दें कि 2 मुख्य आरोपी की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। फिलहाल इन सब और पूछताछ होगी। एचपी एसएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 4 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है और 2 आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई है। कुल 6 आरोपी थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार इस मामले में किया था। तो एचपी एसएससी पेपर लीक जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट आ गया है। 2 मुख्य आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ गई है। अब पुलिस रिमांड बढ़ी है तो ऐसे में उनसे और ज्यादा पूछताछ की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया है, आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। ये बड़ी खबर है, दरअसल बस किराए को लेकर बोले हैं डिप्टी सीएम, हिमाचल में नहीं बढ़ेगा बस का किराया। डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है एचआरटीसी की बसों में किराया नहीं बढ़ेगा। शिमला से बड़ी खबर, संसाधनों से घाटा करेंगे पूरा। आपको बता दें कि घाटा पूरा करने के लिए बोझ नहीं डाला जाएगा। तो उप मुख्यमंत्री की तरफ से बात का जिक्र किया गया है कि जनता पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डाला जाएगा, सभी रूटों पर समय से ही बसें चलाई जाएंगी, नई प्लानिंग के साथ काम भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके बाद से ही लगातार अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इस बार डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है कि हिमाचल में बस का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, एचआरटीसी की बसों में किराया अब नहीं बढ़ेगा, संसाधनों से जो घाटा हुआ है उसको फिलहाल पूरा कर लेंगे। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओपीएस की बहाली को लेकर एनपीएस संघ के कर्मचारियों के साथ बैठक की है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के समक्ष अपनी बातें रखी। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया है और कर्मचारियों का सरकार पर पूरा भरोसा है। शिमला लौटने के साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी अलर्ट दिखाई दिए हैं। सीएम सुक्खू ने कोरोना को लेकर जहां आज अहम बैठक कर दिशा निर्देश दिए हैं, तो वहीं सीएम ने बीते दिनों सैलानियों को राहत के लिए बड़ा फैसला उनके लिए किया है, जिसके चलते प्रदेश में दिन रात होटल, ढाबे, खाने पीने की जो दुकानें हैं वो अब खुली रहेंगी। कोविड की मीटिंग में एक वैक्सीन जो हमारे लगी है वो अभी कम है, पर कम है, उसको बारे में भी मैंने चर्चा की है और जो हमारे नीति आयोग के सदस्य अभी के पाल जी से उनसे भी बातचीत की है और जल्दी हम जो भी कोविड के प्रोटोकॉल है उसको अमली जामा पहनाएंगे। मैंने कहा है कि प्रशासन किसी भी पर्यटक को तंग ना करे, कानून व्यवस्था बनाए रखे, और ये भी कहा है रेस्टोरेंट, खाना खाने के ढाबे, चाय की दुकानें 2 जनवरी तक शिमला में 24 घंटे खुली रह सकती है। ये उन दुकानदारों की मर्जी पर है, कोई उनको तंग नहीं करेगा। पूरे प्रदेश में जहाँ टूरिस्ट नहीं, टूरिस्ट प्लेस है, धर्मशाला, शिमला, मनाली, कुल्लू, कसौली में, और मनाली में क्योंकि सीजन चलता है, कार्निवल शुरू होता है, तो वहाँ 7 जनवरी तक ये खुली रह सकती है। क्योंकि टूरिस्ट जब आए तो कहीं जो ईटिंग ज्वाइंट है उसको ढूंढता ना फिरे। अगर उनको हम ढाबे वालों मेरे से मिले थे, रेस्टोरेंट वाले मुझसे मिले थे कि कुछ एक दिन हमें 24/7 खोलने की अनुमति दी जाए, और पर्यटक राजा होने के रूप में मैंने ये फैसला किया है कि ये इन्हें खुली रहने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजीव भवन शिमला में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सीएम सुक्खू ने पार्टी के योगदान को याद किया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रही। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वह पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सीएम बाद में, इसलिए वह संगठन के अधीन है, उनकी बॉस प्रतिभा सिंह ही है, उनको जो भी आदेश मिलेगा वह उसे मानेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि किसी कार्यकर्ता को निराश नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर भी प्रकाश डाला है। देखिए, आज हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने कांग्रेस का ये स्थापना दिवस मनाया,
पार्टी के सदस्य होने के नाते हमें सबको निमंत्रण दिया और सभी विधायक यहाँ जो यहाँ उपस्थित थे सब यहाँ आए और इस स्थापना दिवस के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और आज़ादी में के बाद जब इस देश को बनाने की जरूरत पड़ी, जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, सुई से लेकर हवाई जहाज और मंगलयान तक का सफर कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा तय हुआ। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा में आम आदमी की आवाज उठाने का काम हो रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलना आसान काम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने देश के लिए अपने कंधों पर यह जिम्मा लिया है। प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में पार्टी ने काम किया, चाहे अहम मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी जब भी फील्ड में उतरी तो जो काम कांग्रेस जन करते हैं वो सभी उस बात से सभी जन वाकिफ हैं। आज राहुल गांधी ने भी इस मुहिम में जुड़कर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। उन्होंने जितना पैदल चला है वो वाकई बहुत सराहनीय है और सब लोग उसकी निंदा उसकी तारीफ करते हैं कि एक नौजवान सुबह 6 बजे से उठकर हजारों किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय किया है और हमने भी 2 मरतबा उनकी भारत जोड़ो यात्रा में मिलकर उनसे हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और जिस तरीके से लोगों का हजूम, जिस तरीके के लोगों का उत्साह, जिस तरीके से लोगों का प्यार उनको मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और अब वो यात्रा वहाँ से होती हुई पठानकोट से होती हुई शायद जम्मू कश्मीर की तरफ जाएगी और वहाँ उस दिन वो अपना झंडा लहराएंगे कांग्रेस पार्टी का। और मैं समझती हूँ कि इसका बहुत अच्छा संदेश पूरे भारतवर्ष में गया है और सभी लोगों को ये जो जोड़ने का काम किया है इस यात्रा ने किया। संसद में आप थी, क्या हम समझे जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, सरकार केंद्र सरकार से जवाबदेही जो है मांग रहा था, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उन पर जो है सत्ता पक्ष जो है ज्यादा जो है समय लिया, चाहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा सदन के बाहर? देखिए, हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते थे पार्लियामेंट में, जैसा ये चाइनीज लोग जो भारत की भूमि में अपना कब्जा जमा रहे हैं उसके बारे में भी हमने उनसे चर्चा मांगी, पर बड़ा अफसोस है कि हमारे को सरकार ने ना। तो वहीं हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बदले की भावना से काम करना शुरू कर दिया। संवैधानिक तरीके से प्रदेश में 574 संस्थानों को बंद किया गया, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार बनने के 2 सप्ताह बाद लोग मजबूरन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की वादियां अब बर्फीले तेंदुए को रास नहीं आने लगी हैं। आपको बता दें, हालांकि यहां पर तेंदुए पहले से ही मौजूद थे, लेकिन अब यहां पर बर्फानी तेंदुआ आए दिन पहाड़ियों पर नजर आ रहे हैं। तो वही देश विदेश से यहां आने वाले शोधार्थियों के कैमरे में भी इन्हें कैद किया जा रहा है। आपको बता दें कि घाटी के चिचिम गांव में वन विभाग की टीम ने अपने कैमरे में लेपर्ड को कैद किया है। स्पिति घाटी में स्नो लेपर्ड काफी पहले से ही मौजूद रहे हैं, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में इनको ज्यादा देखा गया है। स्पिति घाटी का वातावरण स्नो लेपर्ड के लिए अनुकूल होता है, जिसे देखते हुए वन प्राणी विभाग की कोशिश है कि स्नो लेपर्ड के लिए इस इलाके को अनुकूल बनाया जाए ताकि यहां वो फल फूल सके। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ समय से बारिश ना होने के चलते सर्दियों में शुष्क ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। कई स्थानों पर कोहरा कहर बरपा रहा है तो कई स्थानों पर सूखी ठंडों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ठंड का कुछ इस तरीके का आलम हो गया है कि अब लोग घर से निकलने से भी कतरा रहे हैं। यहां पर जमा देने वाली ठंड देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोग गर्म कपड़े ही पहनकर बाहर आ पा रहे हैं। इसके साथ ही शुष्क ठंड में बच्चे बुजुर्गों की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं किसानों का कहना है कि फसलों पर भी बारिश ना होने से नष्ट होने का संकट मंडरा रहा है।
बार बहुत खुश्क ठंड हुई है, लोग बहुत परेशान हुए हैं, बारिश नहीं हो रही है, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, बच्चे भी बहुत बीमार हो रहे हैं और यहाँ पे आवारा पशु भी बहुत घूम रहे हैं जिससे सारी फसलें तबाह कर दी उन्होंने। सरकार को इसका कुछ इंतजाम करना चाहिए। खेती बाड़ी का काम करते हैं, सब्जी बेचते है, काम रहा कुछ नहीं है, कणक का दान नहीं है, बरखा नहीं होंगी, रोटी तो खानी है, कमेटी वाले मारे को तंग कर रहे हैं, कहाँ जाना। ये तो सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा बारिश में विलम्ब हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने फसलें बीज सके। मौसम आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है और जैसे बारिश नहीं हो रही है जिस वजह से आजकल खुश्की वाली ठंडी हो गई है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम लगाने को अनिवार्य करने पर अब टैक्सी चालकों की परेशानी बढ़ गई है जिसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। टैक्सी ऑपरेटर्स की माने तो जीपीएस सिस्टम पंजीकृत कंपनियां प्रदेश छोड़कर जा चुकी हैं और बाकी के परमिट को दोबारा रिन्यू करवाने के लिए नया सिस्टम लगवाना पड़ रहा है। यानी कोई भी जीपीएस सिस्टम से टैक्सी संचालकों को किसी भी तरीके का फायदा नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो कमर्शियल व्हीकल में जितने भी जीपीएस लगे हैं, एक तो दो साल के बाद रिचार्ज करने पड़ते हैं तो कोई कंपनी भाग जाती है, कोई नहीं मिलती है, तो इसको तो बंद करना चाहिए। सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन जीपीएस जो हमारी टैक्सी गाड़ियों में लग रहे हैं इनको बंद किया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं है। टैक्सी ऑपरेटर के ऊपर ये बोझ है, इसको बंद किया जाए। और जो हमारे परमिट हैं वो भी जो 12 साल के किए थे टैक्सियों के, उनको हमारा गवर्नमेंट से करबद्ध प्रार्थना है कि उसको जो है 15 साल किया जाए। तो वहीं सोलन शहर में अब ऑटो चालक वर्दी पहनकर ऑटो चलाएंगे जिसको लेकर आरटीओ विभाग ने आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें ऑटो चालकों में विभाग के आदेशों को लेकर रोष है। चालकों का कहना है कि आरटीओ विभाग जबरदस्ती उन पर ये आदेश थोप रहा है जिसका उन पर आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। ऑटो चालकों ने आदेशों का विरोध करते हुए कहा कि सभी चालक अभी कोरोना की मार से उभर नहीं पाए हैं कि विभाग द्वारा उन पर अब वर्दी डालकर ऑटो चलाने का दबाव बनाया जा रहा है। वर्दी का इशू हमारे ऊपर ही थोपा गया है तो ये गलत है, और अगर ये ऑल हिमाचल के लिए है तो ये ठीक है। टैक्सी बसेज मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट में है, अगर ये सबके वर्दी सबके लिए है तो ये ठीक है। और नंबर दो बात, हमारा मानना ये भी है जी, पिछले लॉकडाउन से लेके अभी तक हम उससे ही उभरे नहीं हैं, हमारे खर्चे कोई भी पूरे नहीं हो रहे हैं। ऊपर से गड्डी की मेंटेनेंस है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, ठीक है जी। तो अगर ये हमारे ऊपर थोपा गया है तो हम तो सरकार से ये बोल रहे थे कि हमें कुछ टाइम दिया जाए। पहले ही हम कोरोना महामारी से अभी जो हमारे ऊपर कर्जे हैं वही हम उतार नहीं पा रहे हैं। ऊपर से ये हमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10,000 रुपये का खर्च बोझ जो है और हमारे ऊपर डाला जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसके बारे में एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनको एक बार फिर से विचार करना चाहिए। हिमाचल में ठंड का दौर जारी है जिसके कारण किन्नौर की नाको झील जम चुकी है, जिसके बाद आपको बता रहे प्रेश आइस स्केटिंग एसोसिएशन ने यह फैसला किया है कि झील के ऊपर आइस स्केटिंग का खेल शुरू होगा। आइस स्केटिंग के 3 दिवसीय कैंप का आयोजन हो रहा है जिसमें जिले के सैकड़ों बच्चे प्रतिभागी के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप में मुख्य सहयोग हमारा जो है SSC क्लब जो है, यहाँ का लोकल क्लब है और एक टूरिज्म सोसाइटी है, उनका बहुत योगदान रहा है और लोकल जो प्रशासन है लोकल और यहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत योगदान रहा है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। और मैं मुख्य रूप से और भी आभार करना चाहूँगा मोहित मोजगिल है जिनने हमारे को ये इक्विपमेंट जो है स्केट्स प्रोवाइड कराए। किन्नौर में लंबे समय से सूखा पड़ा होने के कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। बर्फबारी ना होने से बागवानी और किसानों के खेती के लिए सभी कार्य रुक गए हैं। बर्फबारी ना होने के कारण पर्यटन क्षेत्र को भी भारी नुकसान है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। किन्नौर जिला में लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है। 25 व 26 दिसंबर को मौसम विभाग द्वारा बर्फबारी के आसार दिखाए गए थे, लेकिन जिला किन्नौर में बर्फबारी नहीं हुई है। ऐसे में जिला किन्नौर के बागवानों व किसानों को अब अपने सेब के बगीचों में प्रूनिंग, तौलिया व किसानी क्षेत्र में बिजाई के लिए दिक्कतें आ रही है।
क्योंकि जिला किन्नौर में बर्फबारी नहीं होने से बागवानों व किसानों के सभी कार्य रुके हुए हैं। इसके अलावा जिला किन्नौर में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटकों की आमद भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जिला किन्नौर में बर्फबारी के दौरान साहसिक खेलों की गतिविधियां होती है। इस बार बर्फबारी नहीं होने से जिला किन्नौर के कल्पा, सांगला, हांगो, चांगो, चूलिंग व किन्नौर जिला के ऐसे कई पर्यटन क्षेत्र है जहां पर सर्दियों में बर्फबारी के दौरान पर्यटक साहसिक खेलों की गतिविधियों के लिए आते हैं, लेकिन बर्फबारी नहीं होने से इस बार पर्यटकों को भी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हमीरपुर में जिलाध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में आए तमाम नेताओं ने स्थापना दिवस पर अपने विचार रखे। 28 दिसंबर 1885 को हिमाचल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जैसे यहाँ के भक्तों ने उसका जिक्र भी किया। वहाँ से हमने उस दिन को हम हर साल मनाते हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आदेश आया है कि हम हर ब्लॉक में इसको मनाएं, और जहां ब्लॉक के बीच में जो डिस्ट्रिक्ट के जो पदाधिकारी हैं और दूसरे जितने भी कांग्रेसियन हैं उसमें वो सम्मिलित हों, उसी उपलक्ष्य में इसको हम आज मना रहे हैं। अर्की के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अखिल भारतीय कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतीश कश्यप ने कहा कि देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस ने अपना अहम योगदान दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और उसी का नतीजा था जो हम 1947 में आज़ाद हुए, और तब से लेकर हमारी पार्टी के नेताओं ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया, अपना खून से इस जमी को सींचा है, और उसी परंपरा को लेते हुए आज हमारी पार्टी गांव-गांव में लोगों की समस्याएं और इस क्षेत्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हमारे सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के एक गरिमापूर्ण भविष्य को बनाए रखेंगे। हमीरपुर सर्किट हाउस में विधायक राजेंद्र राणा ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू के द्वारा प्रदेश के लिए निर्णय लिए गए हैं और बीजेपी बेवजह प्रदर्शन कर रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सीएम सुक्खू और उनके परिवार पर टिप्पणी करना गलत है। पान खोले हैं उन सब को रद्द किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो 2017 में सरकार बनी थी उन्होंने भी रद्द किए थे। हमने कहा है कि मेरिट डिमेरिट सब चीजों को जांच करके हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे, पहले फिलहाल रद्द किए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, लगभग 900 के करीब संस्थान खोल दिए हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल अप्रूवल हुई है? फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूवल दी है? क्या वहां जायज है? क्या यह पॉलिटिकल एजेंडा लेके कर रही हैं? ये पब्लिक का पैसा है, हिमाचल प्रदेश की जनता का खून पसीने का पैसा है, इस तरीके से थोड़ी उसको बहाया जाएगा। तो उस जो फैसला लिया है, नोटिफिकेशंस रद्द हुई हैं, हमने कहा जो मेरिट्स में होंगे उनको हम दोबारा से रिव्यू करके जो है उनको दोबारा नोटिफाई करेंगे। नाहन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने जिला कार्यालय के लिए बन रही बिल्डिंग का निरीक्षण किया। मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए सुरेश ने कहा कि सभी 17 संगठनात्मक जिलों में पार्टी के कार्यालय बनेंगे, हम शिमला में भी जल्द पार्टी का कार्यालय बनाएंगे। स्थानों के ऊपर जो है कार्यालयों का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया या इनिशियल स्टेज के ऊपर, और हमारा प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक हम जो है सभी अपने जिलों में जिला का अपना भाजपा का कार्यालय बन सके, और प्रदेश का भी हम उसके लिए भी भूमि की हम जो है चयन कर रहे हैं कि प्रदेश में भी हम अपना एक बड़ा कार्यालय बनाएं जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी हो और अन्य सभी व्यवस्थाएं भी हो। उस दृष्टि से एक जिला का भी प्रदेश का भी बड़ा कार्यालय बने, उसके लिए भी हम भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन कर रहे हैं। पिछले कल भी हमने कुछ साइटें देखी हैं, बहुत शीघ्र हमारा पार्टी का भी एक बड़ा कार्यालय शिमला में ये शिमला के आसपास बने ताकि हमारी सारी गतिविधियाँ जो अपने कार्यालय से संचालित हो सके। सीएम सुक्खू और उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक विक्रम सिंह के विरोध में नारे लगाए हैं। जीरो टॉलरेंस करप्शन के मामले पर मुख्यमंत्री सुक्खू जी
और उनके उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ये बहुत संजीदगी से इस पर काम कर रहे हैं और एक बड़ा संदेश है, इससे प्रदेश के ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों के अंदर एक अच्छा संदेश जाग गया है, उससे आने वाले समय में प्रदेश को इसका लाभ होगा और भ्रष्टाचार के माध्यम से जो प्रदेश को वित्तीय नुकसान होता है और उसको लेकर कर्मचारी और मजदूरों के जो वित्तीय लाभ वो समय पर नहीं मिल पाते हैं, उन सब में स्थिति सुधार आएगा। ज्वालामुखी में बीजेपी के पूर्व मंत्री अवेंद्र सिंह रवि के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपमंडल अधिकारी कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली है। लोक निर्माण विभाग की डी नोटिफिकेशन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महामहिम के नाम ज्ञापन देकर अपना रोष व्यक्त किया। हम आगाह करना चाहते हैं थाना साहब पूर्वक हिटलर की जो यहाँ पर नई पैदाइश यहाँ पर होने वाली है कि बिना पूछे बिना वहाँ पर किसी को जांच पड़ताल किए कार्यालय को बंद करना ये जनहित में नहीं है। मेरा निवेदन है यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से कि आपसे निवेदन है कि ऐसे हम आपका निवेदन करना चाहते हैं आपसे कि कम से कम बंद करने से पहले सर्वे करें कि क्या इसकी आवश्यकता है। जहाँ आपको लगता है कि रामलिंग तौर पर खोले गए हैं उनको आपने कुछ करना तो करिए, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहाँ उनको जल्दी यहाँ पर शुरू किया जाए, ये हमारी मांग है। बिलासपुर में कर्मचारी सेवा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। विनोद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश संगठन राजनीति को लेकर जिस प्रकार का व्यवहार जयराम सरकार ने किया है उसका खामियाजा बीजेपी को प्रदेश से बाहर होकर भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। नया साल मनाने के लिए पर्यटक मनाली राज्यों से मनाली का रुख कर रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर मनाली पहुंच रहे सैलानियों की लंबी ट्रैफिक जाम की लाइनों से उनको जूझना पड़ रहा है। पुलिस को ने भी जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत की है। हम तो कोलकाता से है, सो वी आर हियर फॉर लास्ट टू डेज एंड टुडे वी हैव बीन टू द सोलांग एंड द शिशु दैट एरिया एंड वी आर स्टक हियर फॉर द लास्ट टू आवर्स and he is saying our driver ji he is saying that it's around 6 kilometers but we are hoping that another 2 hours is required to be into the hotel because people here coming for 2 or 3 days so if we are stuck by in the road for 2 3 hours so we are just losing the times bahut dikkat hai। कुल्लू जिला डालपुर में नगर परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष पंकज परमार ने की। बैठक में धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग का एजेंडा था कि भी जो हमारा विजन है एक साल का जिला परिषद का, तो हमने यहाँ पर टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट की बात की। इसमें हमारे अगर हम निर्मल ब्लॉक की बात करें तो निर्मल ब्लॉक में हमने श्रीखंड यात्रा पर बात की है। वहाँ पर हमारा जो किस तरह से उस यात्रा को बढ़ाया जाए, रोज़गार वहाँ से पूरे निरुन ब्लॉक के लिए मिलेगा, उस पर बात हुई। आने में भी हमने जोड़ी पास जो हमारा वहाँ टूरिज्म में क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। कुल्लू जिले के नगर परिषद कार्यालय में अमृत योजना के कार्यों की समीक्षा पर बैठक का आयोजन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने की है। गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि अमृत योजना के तहत 75% विकास कार्यों का काम पूरा होगा। आज जो है अमृत की समीक्षा रखी है, जिसमें अमृत के लिए जो हमारा कितना काम पैसा कितना रहा और जो पेंडिंग है कि उसे जल्द से जल्द, क्योंकि 31 मार्च तक जो है उसकी लास्ट डेट है, वो तब तक जो सारे टेंडर हमारे लग जाना चाहिए और काम जो बिल्कुल चालू, उसकी सारी समीक्षा हो रही है पूरे बालडो में सब जगह। और इसके साथ ही आज जो पैराग्लाइडिंग का जो हमारा पिछले कल देखा होगा कि इसकी जो ट्रायल हुआ है उसके बारे में चर्चा की। नाहन शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर परिषद लगातार प्रयास कर रहा है। शहर में 2 जगहों पर CCTV लगाए गए हैं। खुले में कूड़ा फेंकने वाले लोगों के नगर परिषद की टीम उनका चालान काटेगी, साथ ही शहर के 12 और स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि जितने भी हमारे कूड़े के हॉटस्पॉट है वहाँ पे कूड़े लगाए जाए, कूड़े के लिए कैमरेज लगाए जाए। लगभग हमारे 13 से 14 हॉटस्पॉट है जो कि पूरे शहर में है हमारे पास, उसमें से 2 जगह हमने कवर कर ली हैं, तो अब लगभग 10 से 11 के बीच हमारे हॉटस्पॉट है जहां पर हमारा कैमरा लगाने का प्रयास रहेगा। थालागढ़ की खेड़ा पंचायत के खापड़ा गांव की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। फिलहाल कई पशुओं की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।